नमस्कार स्टूडेंट्स, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और सिविल 202 के सब्जेक्ट कोड फ्लूड मैकेनिक्स एवं मशीन्स के प्रैक्टिकल्स की ई प्रैक्टिकल्स की श्रृंखला में अब आज हम सेकंड प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर द्वारा हम निस्सरण गुणांक किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम ये जान लें कि वेंचुरीमीटर एक्चुअली होता क्या है। आप चित्र देख पा रहे हैं, बाएं हाथ की तरफ से आप देख रहे हैं कि जो ट्यूब है वो थोड़ी ज़्यादा थिक है, फिर उस पर एक वाल्व लगा हुआ है, इनलेट वाल्व कह सकते हैं आप इसको, या पॉइंट वन। उसके बाद में सेंटर पे है थ्रोट, वहाँ पर भी हमने एक मेज़रमेंट वाल्व लगाया है, और थर्ड है इसकी राइट हैंड साइड वाला पार्ट जिसको हम अपसारी ट्यूब कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में होती हैं अभिसारी कोण, थ्रोट और अपसारी कोण, ये तीन मुख्य भाग होते हैं जिसमें से हम अभिसारी कोण मतलब इनलेट वाला पार्ट और लोएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि थ्रोट वाला पार्ट, इन दोनों के मध्य में यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा करके और दोनों सेक्शंस पर वाटर प्रेशर में क्या डिफरेंस है उसको एच लेवल में कैलकुलेट करते हैं, मरकरी की मात्रा में। जो वेंचुरीमीटर हमारा होता है ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इन दोनों ही बिंदुओं पर हम बर्नौली सिद्धांत की सहायता से, क्योंकि वेंचुरीमीटर बर्नौली सिद्धांत की एक एप्लीकेशन है, हम यहाँ पर H कैलकुलेट करके फिर CD कैलकुलेट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें क्या अपरेटस रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले एक स्टॉप वॉच, हम एक मिनट के लिए पानी का फ्लो करेंगे वेंचुरीमीटर के अंदर और दोनों सेक्शंस पे रीडिंग लेंगे। सेम रिपीटेशन हम बार बार एक एक मिनट के अंतराल से पानी का फ्लो करवा करके लेंगे और लगभग 5 रीडिंग हम लेंगे। फिर वेंचुरीमीटर अपरेटस, पूरा सेटअप आता है ये हाइड्रोलिक बेंच में लगा हुआ। देन थर्मोमीटर, यहाँ पर हमें थर्मोमीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट मॉडरेट रहता है यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास। हाइड्रोलिक बेंच एक सेटअप है जिसमें मोटर लगी हुई होती है और मोटर की सहायता से पानी स्विच ऑन करते ही ऑटोमेटिकली वेंचुरीमीटर के इनलेट पार्ट से गुजर के आउटलेट पार्ट से बाहर निकलने लगता है। मेथड देखें अब हम कैसे हम ये वाला कैलकुलेशन करेंगे CD का। CD का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो वेंचुरीमीटर है वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखा हुआ होना चाहिए। इसके जो दो सेक्शन हैं जिन पर हमने डिफरेंशियल मैनोमीटर लगाया है, 1 और 2, ये दोनों हॉरिजॉन्टल में होने चाहिए ताकि जो जेड हमारा है डेटम हेड वो सेम प्राप्त हो हमें दोनों पर। अब हम इनलेट वाल्व को खोल देंगे और मैक्सिमम वाटर फ्लो कराएंगे। फिर हम एयर को निकालने के लिए ये जो हमने फ्लो कराया वाटर का, ये हमने इसलिए किया ताकि सर्किट में से एयर निकल जाए। फिर हम एयर पर्ज वाल्व को क्लोज कर देंगे टाइटली ताकि अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर अंदर आए और एयर यहाँ से टोटली हट चुकी हो। अब हम बेंच पे जो सप्लाई वाल्व है उसको ऑन करेंगे जिससे इसके अंदर पानी बहने लगे, और अपरेटस का कंट्रोल वाल्व जो होगा वो बंद कर देंगे ताकि जो हमारा रेट ऑफ फ्लो है वो रेगुलेटेड रहे। फिर हम स्टॉप वॉच की सहायता से एक एक मिनट के अंतराल पर रीडिंग्स कैलकुलेट करेंगे टैंक में। इसमें हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर H1 H2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखें आप, H1 जो होगा वो हाइट ऑफ वाटर इन मैनोमीटर ट्यूब A होगी और हाइट ऑफ वाटर इन मैनोमीटर ट्यूब D मतलब थ्रोट पे जहाँ पे सेकंड सेक्शन है वहाँ पे H2 होगा। इन दोनों का जो अंतर होगा वो H2 माइनस H1 हम लेंगे और वो हमारा होगा H3 कहलाता है वो। ये देखिए, अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ 2G डेल्टा H का मतलब है H2 माइनस H1 को कैलकुलेट करके जो हमने वैल्यू निकाली है वो 1/A2² माइनस 1/A1² और ये क्यू थियोरेटिकल आया है हमारे पास में। क्यू एक्चुअल हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारे पास में हाइड्रोलिक बेंच का मीजरिंग टैंक है उसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है और कितनी हाइट पर वाटर लेवल है उसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक, और उतना वॉल्यूम भरने में कितना टाइम लगा, तो Q/T करके हम या B/T करके हम क्यू एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाई क्यू थियोरेटिकल करेंगे और हमारे को CD का मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का मान प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद, इसको हम रिजल्ट में लिख देंगे जो भी हमारे पास मान प्राप्त होगा, इस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे।